नमो नमः मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे हो? आशा करती हूँ कि घर पर सब अच्छे होंगे। चलिए, ज़्यादा समय व्यर्थ में गवाते हुए अपने प्रकरण पर आते हैं। मैत्री सेना विराज वाले सर की तरफ से आज की हमारी हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने व्याकरण भाग का अध्ययन कर रहे थे और अपनी पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम के विषय में जाना था, समझा था। तो आशा करती हूँ सर्वनाम भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हम किस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे? आज का हमारा प्रकरण क्या है? देखिए, आज हम पढ़ेंगे विशेषण के विषय में। विशेषण क्या है? विशेषण के जो शब्द होते हैं उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, है ना? और किन शब्दों के आगे विशेषण शब्द लगाए जाते हैं? तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी और फिर उसमें से विशेषण छांटना बताऊंगी, है ना? तो देखिए, हम पहले विशेषण की परिभाषा को लेते हैं। उदाहरण समझेंगे आप, लेकिन विशेषण की परिभाषा पहले समझते हैं, फिर हम उदाहरण को छांटेंगे, ठीक है? विशेषण क्या है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम का आभूषण है। आया समझ में? आभूषण मतलब गहना, कि विशेषण के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम अच्छे लगते हैं। कैसे? परिभाषा एक पारिभाषिक तौर पर देख लीजिए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है? जैसे आप देखो उदाहरण, बोर्ड पर मैंने श्यामपट पर उदाहरण लिखे हैं। समझते हैं इनको कि इनमें विशेषण कौन सा है। देखो, पहला जो वाक्य हमारा, सुंदर लड़की नाच रही है। अब इसमें विशेषण कैसे छांटेंगे? तो विशेषता संज्ञा, लड़की है ना, तो लड़की की विशेषता क्या हुई? सुंदर। सुंदर हो गई, तो ये क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया हमारा, ठीक है? विशेषण हो गया। आगे देखिए, यह कितना प्यारा बच्चा है। तो बच्चा कैसा है? प्यारा। तो विशेषण क्या हुआ? प्यारा। सोहन एक ठिगना आदमी है। तो अब सोहन की विशेषता बतानी है। सोहन कैसा है? लंबा है, ऊंचा है, ठिगना है, कोना है, कैसा है? वाक्य में कैसे दिखाई दे रहा है? देखो, ठिगना। तो विशेषण क्या हुआ? ठिगना। तालाब बहुत गहरा है। तालाब कैसा है? गहरा, बहुत गहरा। तो हम इसमें गहरे शब्द को विशेषण मानेंगे। आगे समझ में? अब इसकी पारिभाषिक तौर पर या अच्छे से व्यवस्थित रूप से परिभाषा देखते हैं, विशेषण की लिखते हैं। आप देखिए, श्यामपट पर ध्यान दीजिए कि मैं विशेषण की परिभाषा किस प्रकार लिख रही हूँ। आपको फिर उसी प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आइए, विशेषण परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को आप
आपको याद हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के चार प्रकार होते हैं। विशेषण के प्रकार, परिभाषा समझ में आई? अब विशेषण के प्रकार देखते हैं। के प्रकार कितने होते हैं? चार। चार प्रकारों की चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उदाहरण आपने देख लिए, विशेषण के कौन कौन से होते हैं? सुंदर, प्यारा, ठीना, गहरा, काला, गोरा, ऊंचा, नीचा, ये विशेषण के उदाहरण है। मतलब विशेषण शब्द है, हम इनका पता इस प्रकार लगा सकते हैं। संतरी, नारंगी, किसी भी रंग का नाम है ना, ऊंचे नीचे, काले गोरे का भेद, तो वो विशेषण है, वो किसी भी वस्तु या किसी भी प्राणी की विशेषता बता रहे हैं। आगे समझ में? चलिए तो विशेषण के प्रकार देख लीजिए। चार प्रकार है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और संकेतवाचक विशेषण। बच्चों शांत बैठकर दिखाई दे रहे हैं सबको? बहुत अच्छे। तो चलो मेरे साथ साथ दोहराइए कि विशेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण, दूसरा प्रकार परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा क्या है? संकेतवाचक विशेषण। आगे समझ में? चलिए तो गुणवाचक विशेषण की हम चर्चा कर लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण कैसे होते हैं, क्या होते हैं। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिससे किसी वस्तु की विशेषता पता चलती है, गुण पता चलता है, ठीक है? जैसे अच्छा, बुरा है ना, लाल, मीठा, काला, गोरा। आगे समझ में गुणवाचक विशेषण। अब है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वो होते हैं जिनसे मात्रा या नाप तोल का पता चलता है, मात्रा या नाप तोल का बोध होता है। जैसे बताओ, आधा किलो, एक दर्जन, है ना, ये हो गए ना, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, ये। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा की संख्या का पता चलता है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, संख्या का बोध होता है। जैसे एक, दस, बारह, चौदह, है ना, पच्चीस, तो संख्या का। संकेतवाचक विशेषण में क्या होता है बच्चों? संकेतवाचक विशेषण में किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, है ना, हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए संकेत दिए जाते हैं, ये, वे, उसने, उन्होंने, है ना, तो ये हो गए संकेतवाचक विशेषण। आगे समझ में आपको कि गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं, संख्यावाचक विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं, और संकेतवाचक विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा? विशेषण। विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के आभूषण होते हैं। परिभाषा के रूप में हम विशेषण किस प्रकार बता सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे गहराई, गहरा, ऊंचा, नीचा।
चीना, मीठा, खट्टा, काला, गोरा, लंबा, गोना, ठिगना, सुंदर, बदसूरत, गंदा, अच्छा। आगे समझ में उदाहरण। उसके उपरांत हमने पढ़े थे विशेषण के भेद या प्रकार, कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा कौन सा होता है बच्चों बताओ, कौन सा बताया था मैंने आपको? संख्यावाचक विशेषण, शाबाश। और चौथा क्या कौन सा होता है? संकेतवाचक विशेषण। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा है वो आप याद कीजिए, और इससे संबंधित जो प्रश्न है अभ्यास कार्य है वो हम आपको भेज देंगे, आप उनसे भी बार बार प्रयास कीजिए और सोचिए अपने दिमाग में कि और कौन कौन से विशेषण हो सकते हैं जिनका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ये उदाहरण मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिए। धन्यवाद।